لا شريك له ولا فريق له ولا مجير له ولا مشير له لا مصور له ولا منظم له ولا مكمل له ولا معلل له وحده لا مساوي له ولا معاون له ولا مقابل له ولا مجاوز له وحده لا وزر عذر مزر شذر له ولا زد ند جد جهد له ولا تعب له ولا نوم له ولا سنة له ولا هول له ولا حول له ولا موت له وحده لا ولد بلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات وحده بوحدة وحده منفردا وحده متكبرا وحده مصورا وحده وحيدا وحيدا بلا وحد بلا أحد بلا ولد في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا حبيبا وحسينا وجميلا ونعيما طبيبا وكريبا ومبينا وأميرا وبشيرا ونذيرا محمدا منورا موقرا مكرما محترما عروة قدوة كاملة أسوة حسنة رأفة بركة رحمة للعالمين نحمد الله ونعبده ونقول له ثم نسأله اللهم صل على اسم محمد وجسم محمد نظم محمد وعزم بزم جزم لحم رزم محمد اللهم صل على اصل وصل نسل عدل جدل بزل محمد اللهم صل على عينين محمد واذنين محمد ولسان محمد شفتين محمد وركبتين محمد وكعبين محمد مرفقين محمد ورأس محمد وعاص محمد وبأس محمد اللهم صل على جد يد حد خد محمد اللهم صل على صفر محمد وحزر محمد عين محمد وزين محمد وقرب محمد وبعد محمد بين محمد وأصل إصالة محمد اللهم صل على حركة بركة لينة مسرة محمد اللهم صل على شروة ومروة وأبوة محمد اللهم صل على زهر أسر هنا
हुसैन बद्र ईशाए फजर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला हसबे नसबे जज़्बे कस्बे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआए हयाए बुखाए अदाए रिदाए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला नज़र मोहम्मद व फिक्र मोहम्मद फ़क्र मोहम्मद व हकीक मोहम्मद अबी बकर सिद्दीक मोहम्मद रफीक मोहम्मद व अतीक मोहम्मद व उमर मोहम्मद व उनवान मोहम्मद उस्मान मोहम्मद व हिब्बी मोहम्मद व वली तकी अली मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद व बारक व सल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون یہ میں مسے پڑھیا اینو کوئی کھول باقی دے میں پڑھا سبحان اللہ اللہ اکبر او جسمانی کمزوری تکلیف ہوے ये बंदा बर्दाश्त कर वेंदा है ते जी कोई ज़हनी कलबी तकलीफ बन जाए ये जरा बाज़ोकात बंदे को लो नहीं भी बर्दाश्त होंदी अगर इंसान है पत्थर तो नहीं इन्हां दिनां दे विच बड़ी खुशी दा मौका ईद दा मौका लेकिन मेरे वास्ते कोई परेशानी दा मौका बन गया है इसलिए फिर कुछ दिमाग दे विच परेशानी भी खड़ी होवे उन तरह तो नहीं बंदा गल गुफ्तगू कर सकता जिवें आम हालत करींदी कोशिश ये है कि अल्लाह पाक ज्यादा तो ज्यादा कुरान पढ़न की तौफीक अता फरमाए ये अल्लाह का खास फजल है इमाम इनकलाब अल्लामा सईद खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ते और कोई थोड़ा थोड़ा बहुत उन्होंने औलाद ते भी भाई असा इस हालत जी पे हो बहर हाल वाती कुरान सानू नहीं भुलदा ये सानू घुट्टी दिती गई है जेड़े पासे फिरदे रहिए जेड़े पासे वधे रहिए भावे सजे ते भावे खब्बे वो जेड़ी घुट्टी है ना हटा के वत सानू उसे किल्ली ते लै आंदी है क्योंकि पिछू रस्सा मजबूत है अल्लाह अकबर तो अल्लाह पाक कुरान सुनन दी सुनावन दी समझन दी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और कुरान नू समझावन वाला उसवा हसना और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया उन्हां दी सुन्नत साबिता जिहड़ी असल कुरान दी अमली तफसीर करन वाली है उस दुते भी अमल करन दी तौफीक अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलन वाला खतीब हर दफा ही दरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता लेकिन सुनन वाले तो तुसां वेले बैठे होंदे हो ना वैसे एक मजलिस विच जिवें एक मजलिस बैठे हां एक दफा दरूद शरीफ सारिआं दा पढ़ लैणा काफी होंदा है यानी वह अदा हो वेंदा है जिहड़ा हक है दरूद आला उस महफिल च बार बार आप दा इस्मे ग्रामी आवे ना एक बारी दरूद शरीफ पढ़ लेना काफ़ी होंदा है लेकिन वह तो है ना किफायत फजीलत यह होंदी है कि हर दफा दरूद शरीफ पढ़िया जाए हर मरतबा दरूद शरीफ पढ़िया जाए खतीब अगर हर मरतबा ना भी पढ़ सके अपनी रवानी कलाम के अंदर सुनने वाले नू जदा भी आप दा इस्मे ग्रामी आवे उसनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पढ़ना चाहिए। अल्लाह अकबर। अजमत मुस्तफा मेरे ख्याल है ना रखे हुए है, ये बड़ा अच्छा और सोहना और बड़ा महफूज जहा ना आंदा है दरसा का यो जो प्रोग्राम का। मकसूद तो यह है कि जिस भाई नूं अल्लाह ने बेटा दिता है उसने ये बतौर बरकत दे सवाब लैण वास्ते भाई खुशी मनावण दा ये तरीका है, ना कि वह कि कंजर नचवाए जावन। भाई ये कि कुरान सुने सुनाया जाए तो वल कुरान दे विच वैसे बिल उमूम तो सारी अजमत मुस्तफा है। कुरान नूं जिथों पढ़ो उथों ही तो मेहनत मुस्तफा है। कुरान दी केड़ी आयत है जिथे मुहम्मद दी मेहनत कोई नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सा आखना ही ना, मैं तो सा नहीं आखिया। मैं कोई एडा वड्डा मौलवी कोई नहीं, मैं ये छोटे छोटे मसले समझाइंदो ना। वड्डे तो सा मसले अगे सुन के आए बैठे हो। मेरे भाई मौलाना कारी कलीमुल्ला साहब कोलो अल्लाह पाक उसने मजीद कुरान सुनावणी तौफीक अता फरमाए। ते अल्लामा मसीद खान रहमतुल्लाह दे घराने का हर फर्द अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौहीद ही सुनांदा है। वह भी तौहीद सुना रहा है, असं भी कोशिश करने हैं तौहीद सुनावण की, पर वह मेरे नालों वड्डा खतीब है, मैं जरा छोटा खतीब हाँ, फिर फर्क कितना। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस अल्हम्दुलिल्लाह हम्द तो अल्लाह की सुनांदा है, मगर मेहनत रसूल अल्लाह की दसेंदा है। जिथो कुरान नु पढ़ो ते समझो उथाई अजमत मुस्तफा दा ऐलान है। कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी आयत, कोई ऐसा मकसूदी फिकरा जिसनु कोई बंदा अपना मकसूदी समझे, वरना तो सारा कुरान अलल इतलाक मकसूदी है, गैर मकसूदी फालतू एक लफ्ज एक हर्फ भी नहीं कुरान दे। जिस आयत नू जिस मजमून नू भी कोई मकसूद बनाए उसे विच्चों उसका असल मकसद निकलेगा तो मेहनत मुस्तफा अजमत मुस्तफा दा निकलेगा। जिस बंदे रब नू समझना है उदे वास्ते जरूरी है पहले पैगंबर नू समझे। जिवें किसे दी जात नू समझण वास्ते उदी बात दा समझना जरूरी होंदा है कि नहीं? ये कहीं दी बात है अल्लाह दी है ना। अल्लाह नू किसे डिठा है? कोई नहीं वेख वेख सकदा भी नहीं। अल्लाह दा दावा है मैनू इत्थे कोई नहीं वेख सकदा। अगां तां अल्लाह अपनी ज़ियारत करावणी कि नहीं बोलो? हाँ, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यामत वाले दिन मोमिनीन अल्लाह नू इंज अयानन खुला वेखसन कमा तरउन अल बदरा जिस तरह चौदवी दे चन्न खुला वेखदे हो। चौदवी का चन्न ये कोई अल्लाह नाल तशबीह नहीं, ये साडे वेखण दी तशबीह है कि चौदवी का चन्न जिसले अध आसमान च आए होवे कहे चुंड तो भी बंदा खलो के वेखे उन्हूं चन्न नजर आंदा कि नहीं? इन्हें तरह इतनी बेशुमार मखलूको सी जितनी भी है हर एक नूं वखरा वखरा सही सही अल्लाह नजर आ सी। मोतजला दा रद्द है। मोतजला दिन के अल्लाह नूं क्यामत वाले दिन भी कह नहीं वेख सकना। जेड़े मौजजात दे मुनकर हैं चलो खैर उन्हां दा फकर जट्टां नूं केड़ा पता मोतजला किसे नाल कविंदा मैं पुठे पासे पै गया। बहरहाल मसला ए है कि ए उस जात दी कलाम है जिसनूं कह डिठा हुण ओहदा तआरुफ तो होणा है ना ओहदी कलाम नाल। चलो जात नहीं डिठी बात तो डिठी है कि नहीं? तो किसी की जात नूं परखणा होवे उहदी तहरीर वेख लो, उहदी तसनीफ वेख लो, उहदी किताब वेख लो। किसी की जात च के कमाल है खूबी है उहदी तहरीर वेख लो, उहदी किताब वेख लो, उहदी काबिलियत का पता चल पई सी? सारी का ना पता चल सी, कुछ ना कोई तो समझ आ सी सही ना। ते जेड़ा बंदा उका समझे ही नहीं किताब पई होवे एक पासे ते अखी नूट के किसे किताब दी तरदील शुरू कर दे वो तो बेवकूफ होंदा है ना। पहले किताब नू वेखे तो सही, किताब नू पढ़े तो सही, किताब नू खोले तो सही,
कि सिर्फ टाइटल वेख लिया उत्ते लिखे ला यमस्सुहू इल्लल मुतहरून तले लिखे अल कुरान अल करीम बस जी मैं हुण कुरान की ज़ियारत कर ली काफी हो गया नहीं नहीं इंज नहीं कुरान नु खोल के वेखे फिर उसनु पढ़े फिर उसनु समझे जिसले समझे फिर अपना तबसरा देवन दा हकदार है कि मैं जी अल्लाह दी इस किताब नु कैसा पाया है इस किताब दे अंदर क्या है क्या नहीं कोई नुक्स भी है या हर ऐब को लुपा के ए ओ गल कर सकदा है ते जिस बंदे ने कुरान ना पढ़िया ना सुनिया ना समझिया ना खोलिया ना डिठा है उस बुद्धू नु की हक पहुंचदा है कि कुरान ते तनकीद करे गल समझ आई या नहीं आई अल्लाह अकबर कमाल बाज औकात कमाल अच्छाई च होंदा ते बाज कमाल हमाकत च ही होंदा है बाज अहमक ते कौदा नहीं कमाल दे होंदे बाज सियाणे भी कमाल दे होंदे क्योंकि कमाल दा ता मतलब है किसी शय की हद तकमील तक पहुंचना कोई शय भी होवे बाज़े अहमक भी कमाल दे अल्लाह दी किताब नाजिल हो रही दावत फिक्र दे रही है लो सुनो सुनिया इस विच गौर कीता है गौरी हो गया हुण वत जवाब क्या है तजिया क्या है तबसरा क्या है तबसरा ए जी इस नूं रखो साइड ते हसबुना मा वजदना अलैह आबाना असानू काफी ये उहो मजहब ते उहो दीन जिस दे उत्ते असा डिठा कहनू अपने प्यो दादे नू अपने बजुर्गों नू जेड़ा काम वो करते रहे अच्छा ते एक किताब क्या है नऊज़ बिल्ला ये ते शायरी है जी ये ते जादूगरी है ये पढ़ने वाला कौन है हमाकत दी इंतहा वेखो पढ़ने वाला मजनून है कदी मजनून भी शायर होए कदी मजनून भी जादूगर बने मजनून तो वह होंदा जिंदा अपना दिमाग टिकाने ते नहीं ओ दूए तो जादू किवें चले सी समझ नहीं आई यानी वेखो अजीब अल्लाह दा वेख मेरे पाक पैगंबर उन जुर कैफ हजारा बू लकलम साल इन्हां बुथुआं दा हाल वेख कैफ हजारा बू लकलम साल कदी काई कदी काई कदी मजनून कदी मशहूर कदी साहिर कदी शायर नहीं कोई गल एक नाल दुई रलदी नहीं ए उसे ले होंदी है इहो जी चीज उसे ले होंदी है जिसले बंदा इंसाफ वाली पटड़ी तो लत्था खलावे इंसाफ वाला बंदा हिको तजिया करे थी हिका गल करे थी ए मुख्तलिफ गल्लां पई होंदियां कदे ए वहाबियन कदे नहीं जी ए गुस्ताखे रसूल है नहीं जी ए वते पीरां दे मुनकर हैं जी नहीं जी बादशाह ए तो तवीदां दे मुनकर हैं तवीद तेरी नानी लिख ली तेनू जे ते मुसीबत के ये तवीदां दी कोई लिखे ते भावे न लिखे तू ए तवीद लवणा किस वास्ते लिखण वाले दी ते गल पिछे करे सा तू लवण किस वास्ते वेंदा होना लिखण वाला ता दुकान बंद च करे सी जे लवण वाला कोई ना होवे इंज है कि नहीं जेड़ी दुकान दे गाहक कोई ना होवे वो दुकान खुली रही कि ना जिन्ना खोली हुई उन्होंने बूथियां ढिली हुई बैठी बिशक खोलो तो भावे बंद करो मैं अगे छे सात साल बड़ा चुप करके गुजारा किया हूं मैं तुम्हें तो चंगी तरह छिले सा तुम्हें तो समझ आ सी अहमद सईद का मिशन क्या है मेरी खैर है जींदा बंदा जितना ही है ना मैं तो सा कोई भी जिंदाबाद नहीं एक दड़े मर बैना जेडे फौत हो गए उन्होंने जिंदाबाद आखो जो उन्हें हूं कोई नहीं मरना उन्हें हूं जीवना उन्हें मरना असा हाली मरना असा मौत अला भूआ टपना असानू जिंदाबाद ना क्या करो
जेड़े अल्लाह दे वली फौत हो गए ना ओ अल्लाह दे हां हुण भी जिंदा है ते क्यामत ले दे तवत रूह माल जिस्म जिंदा हो गए यानी हुण मौत ना दे वास्ते काई नहीं ते जिसले जन्नत च वजना है अहलल जन इन्ना अहलल जन्नत ला यमूतूना जन्नत च वजन तो बाद भी मौत इस वास्ते तुहानू मैं अग्गे भी रोके होया भी जींदियां दे नारे ना मारिया करो मौलवियां नू चा चवा के मरी दो इंजे फुंडा फुंडा के फलाना शेख उल हदीस ते फलाना मुलादरे चला हुंदे चवल धोती होनिया चा 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 के जेले अग्गू तुहाडे गल पंदे उसले तुहानू जमात चो कढणे पै वेंदे अग्गे मैं 70 वारी समझाया अंजल الناس منازل हम जितनी कदर दा कोई मुस्तहिक होवे उनू उसे ठिकाने ते रखिया करो पहलू चवलों चाही रखिया चाही रखिया चाही रखिया उन्हें समझे असं तो वाकई मुनाजरे इस्लाम है कई गल समझ आती पी के नहीं समझी करो तो अगले नु समझाई भी करो अल्लाह अकबर हर शह टिकाने ते आवे कदी मेरा पैर पाए गया ना इस पासे सजा ते जे हर शह ठीक ना हो जे तो गल ही कोई नहीं जड़िया खुंबिया बरसाती निकल दिया ना इधला धड़ा इन पे बनता है इधला इन पे बनता है हर शह में समा के रख दे उन्हें अल्लाह अकबर ऐलान होया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका अग्गा पहुंचाओ अग्गा पहुंचाओ इको बमे मठी कर आवाज दी जरा खोल इनो अग्गा पहुंचाओ मा उन्ज़िला इलैका मेरे रब्बे का जेड़ा कुछ उतारिया गया है तुहाडे अल तुहाडे रब वल्लों जेड़ा कुछ उतारिया गया अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल कमाल कीता है सुनावण दे अंदर भी कमाल कीता है समझावण दे अंदर भी कमाल कीता है पहुंचावण दे अंदर भी कमाल कीता है इबलाग भी कमाल वाला है तबलीग भी कमाल वाली बलाग भी कमाल वाला जेड़े वेले पहुंचावण वाले त्रई दर्जे बलाग आई इबलाग आई ते तबलीग जेड़े वेले पहुंचावण दे त्रई दर्जे हद कमाल ते आए उस वेले अल्लाह ने आख्या शाबाश मेरा पाक पैगंबर ला अमरो का जिंद जीवे सूरज चढ़िया ही मेरी तौहीद दा चन चाण दिता ही अंधेरे कुफर ते शिरक दे चलदे पयान ए मेरे पाक पैगंबर हुण असां ऐलान पै करे ने आए दुनिया नू पै सुनाई ने आए पहले असां आख्या ही या हक अदा करके दुनिया दे अंदर विखा रहे हो उस वेले के पया ने आए या अयो है नबी अल्लाह अकबर बड़े कमाल इन कुरान च फरमाया रिसालत यानी पैगाम पहुंचावण वाला काम पिया होंदा ही आख्या या अय्यो अर रसूलो जेड़े वेले हद कमाल दे अंदर पहुंचे आए क्योंकि अल्लाह फरमांदा मैं वल कमाल उच्ची जात तक